नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जड़धारी क्लासेस में। दोस्तों आज हम आपको लेके आ रखे हैं जनरल साइंस के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों ये जनरल साइंस का फिजिक्स पार्ट है और ये फिजिक्स सीरीज का फोर्थ पार्ट यहाँ पर आपको आज प्रोवाइड किया जा रहा है। दोस्तों हम लगातार आपके लिए जनरल साइंस के यहाँ पर सीरीज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो अगर आपने और वीडियो नहीं देखी तो आप और वीडियो यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अभी ज़्यादा समय न गंवा के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। 25 क्वेश्चन हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, तो ये पहला क्वेश्चन है कि तड़ित किसके द्वारा उत्पन्न होती है। जो आकाश में बिजली होती है, थंडर लाइटिंग जो होती है, वो किसके द्वारा उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन है, तो सभी ऑप्शन यहाँ पर पढ़ेंगे नहीं, लेकिन प्रत्येक ऑप्शन के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस जरूर कर लेंगे, उससे सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है। तो पहले यहाँ पर विद्युत विसर्जन, जो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होता है। सेकेंड है कोणीय संवेग, तो एंगुलर मूवमेंट यहाँ पर ऐसा कुछ होता नहीं है, मोमेंटम नहीं है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर तो एनर्जी है, मोमेंटम नहीं है, पावर तो कोई नहीं है, इसमें हो रहा है इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज। ठीक है, यहां पर क्या होता है कि जो आवेश होते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव आवेश, जब वो आपस में टकराते हैं तो वहां पर क्या होता है, जो बिजली चमक जाती है। तो ठीक है, तो पहला इसका ए ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है, तो जो मायोपिया, जो आगे पास डिसीज है, वो क्या होता है। मायोपिया डिसीज में क्या होता है, निकट में निकट की वस्तुएं दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती है। अब देखिए दोस्तों, अगर दूर की वस्तुएं नहीं दिखाती तो कारण क्या होगा। मान ये आगे पास ये आंख आपकी यहां पर है, तो निकट की वस्तुएं तो साफ साफ यहां पर क्या है, इसका जो फोकस ठीक आपका रेटिना में बन रहा है, लेकिन जो दूर की वस्तु है, ठीक है, तो दूर की वस्तुओं का जो फोकस होगा वो आंख के रेटिना से पहले ही बन जाएगा। अब आंख के रेटिना से पहले बन रहा है, इसका मतलब उसको अब दिखाई नहीं देगा, क्योंकि व्यक्ति को कोई भी वस्तु तभी दिखाई देगी जब वो उसका फोकस उसके ठीक रेटिना पे बन रहा है या ठीक उसकी आंख पे बन रहा है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो अवतल लेंस है, जो आगे पास है कॉनकेव लेंस को लगाना पड़ेगा। ये क्या कर देगा, जो यहाँ से लाइट आएगी ये इसको थोड़ा सा फैला देगा, और फैला देगा तो अब जो है, क्योंकि लाइट जब फैल जाएगी, जो आपके पास लाइट फैल जाएगी, तो लाइट फैलने के बाद ये थोड़ा दूर हो जाएगी और ये आपके पास फोकस उसका आंख पे बन जाएगा और आपको ये वस्तु दिखाई देगी, मतलब ये जो दूर की वस्तु ये पास ला देगा ये लेंस। तो ये है इसका कॉनकेव लेंस। तो दूसरा है, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, जो उत्तल है ये क्या करता है, जो दूर की वस्तु है उनको, जो कुल मिला के जो लाइट आ रही है ये उसको क्या कर देता है, सिकोड़ देता है। ठीक है, बाइफोकल लेंस, सिलेंड्रिकल लेंस, तो यहाँ पर जरूर है। सिलेंड्रिकल जो लेंस है उसका यूज़ कहाँ होता है, जो आपके पास एस्टिगमेशन हो, जो अभिन्दुकता होती है, जहाँ पर व्यक्ति क्या नहीं पहचान पाता है, जो आपके पास क्या है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको नहीं पहचान पाता है। ठीक है, वो इनको इनमें डिफरेंस नहीं कर पाता है, तो वहाँ पर सिलेंड्रिकल लेंस यूज होता है। और बाइफोकल लेंस कहाँ यूज होता है, तो चले सभी के बारे में, बाइफोकल लेंस कहाँ होता है, जिसको निकट की वस्तुएं भी नहीं दिखाई दे रही और दूर की वस्तुओं में नहीं दिखाई देती, तो उसमें क्या है बाइफोकल लेंस होता है, जिसमें कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों ही लगाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है कि दूर दृष्टि वाले व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है, तो जो आपके पास हाइपरमेट्रोपिया है, तो उसके लिए क्या होगा, क्योंकि ऊपर वाले का था कॉनकेव, तो ये हो जाएगा कॉन्वेक्स, तो उत्तल लेंस होगा, जो क्या कर देगा लाइट को यहाँ पर सिकोड़ देगा। और अब देखिए दूरदृष्टि में क्या होता है, जो हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, क्योंकि दूरदृष्टि दोष मतलब दूर की वस्तुएं दिखाते हैं कि निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई देती है, तो ये क्या करता है कि जो निकट से वस्तु से आने वाली जो लाइट है ये इसको पहले ही सिकोड़ देता है। उसमें क्या होता है निकट दूरदृष्टि में, कि जो आँख है, जो दूर की वस्तुएं उनका फोकस तो ठीक रेटिना पे बनता है, लेकिन पास की वस्तुओं का जो फोकस है वो रेटिना के पीछे बन जाता है, बोलो तो यहाँ बनता है। अब यहाँ बनता तो यहाँ तो दिखाई नहीं देगी वस्तु कब दिखाई देगी, जब फोकस पे उसका रेटिना पे फोकस बनेगा। क्वेश्चन नंबर 29 है कि बर्फ के टुकड़े एक गिलास शुद्ध जल और एक गिलास शुद्ध एल्कोहल में डालने पर बर्फ क्या होती है। तो अब देखिए, अगर आपने देखो कि अगर आप पानी में बर्फ़ या गिलास में जो इसमें पानी है आपका उसमें बर्फ़ डालते हैं तो बर्फ़ ऊपर तैरने लगती है, लेकिन अगर अल्कोहल में डालते हैं तो अल्कोहल में क्या है बर्फ़ डूब जाती है। उसका कारण क्या है, क्योंकि जो पानी है उससे कम डेंस है आपके पास बर्फ़, तो उसकी डेंसिटी कम है, लेकिन अल्कोहल से उसकी डेंसिटी ज़्यादा है। अब जिससे ज़्यादा डेंसिटी होगी तो वो उसमें डूब जाएगी, तो अल्कोहल से ज़्यादा डेंसिटी इसलिए वहाँ पर जो बर्फ़ का टुकड़ा है वो अल्कोहल में डूब जाता है। तो इसका ए ऑप्शन ही इसका सही हो जाएगा कि जल में तैरेगी और अल्कोहल में डूब जाएगी। क्वेश्चन नंबर 30 है कि तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसे हो जाता है, तो जो हमारे पास पुपिल है उसका साइज क्या होता है अगर लाइट की इंटेंसिटी हमारी इंक्रीज हो जाती है। तो देखिए लाइट की जो लाइट है, जो हमारी आंखें हैं, वो लाइट में क्या करती है एडजस्टमेंट करती है, समायोजन करने की उसकी क्षमता होती है, तो एडजस्टमेंट पावर होती है। तो अगर लाइट तेज होती है तो पुतली छोटी हो जाती है, स्मॉल हो जाती है, और अगर लाइट कम होती है अंधेरे में हमारी पुतली, जो रात में आँख जब हमारी आँखें जब रात होती है तो आँखें हमारी क्या है बड़ी हो जाती है, बोलते पुतली बड़ी हो जाती है, आँखें बड़ी नहीं होती, हमारी पुतली बड़ी हो जाती है। तो इसका बी ऑप्शन से हो जाती है, स्मॉल हो जाती है।
क्वेश्चन नंबर 31 है कि चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है, तो चुंबकीय सुई कहाँ करती है, नॉर्थ डायरेक्शन में, उत्तर दिशा को ये दिखाती है। क्वेश्चन नंबर 32 है कि एक 100 वाट का बल्ब है, ये 100 वाट बिजली का लैंप है, एक दिन में 10 घंटे यूज होता है, तो उस दिन लैंप द्वारा कितनी यूनिट खर्च होती है। अब देखिए भाई, यूनिट पहले क्या होती है, जितनी हम बिजली क्या करते हैं, जलाते हैं, या हमारे जो बिजली की जो पावर है जितना हम यूज़ करते हैं, तो अगर हम जो हमारी एक यूनिट होती है वो होती है 1000 वाट के बराबर। अगर हम 1000 वाट की एनर्जी को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, या 1000 वाट की बिजली यूज़ करते हैं, तो हमारी एक यूनिट हमारे मीटर में चढ़ जाती है और उसका हमारे पास 3.5 जितना भी रुपये है वो पड़ता है। अब ये बोला 100 वाट का बल्ब है, 10 घंटे जलता है, तो 100 वाट का बल्ब 10 घंटे बोल तो 1000 वाट बिजली को क्या कर देगा, जला देगा, और 1000 वाट का मतलब है एक यूनिट, तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है कि बल्ब को तोड़ने पर तेज आवाज़ होती है, क्योंकि अब क्यों होती है, अब देखिए बल्ब के अंदर है वैक्यूम, ठीक है, अंदर वहाँ पर कोई भी गैस नहीं है या निर्वात है। अब निर्वात है तो जब आप उसको तोड़ोगे तो बाहर की जो हवा है अचानक क्या हो जाएगी, अंदर की ओर जाएगी, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि बल्ब के अंदर निर्वात में वायु तेज़ी से प्रवेश करती है, तो ए ऑप्शन ही इसका सही हो जाएगा, क्योंकि अंदर वैक्यूम और बाहर से आपके पास तेज़ी से जो गैसें हैं, तेज़ी से हवा अंदर चली जाएगी, और तेज़ी से हवा अंदर जाएगी तो उसमें आवाज़ हो जाएगी, ठीक है, तो यही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बल्ब के अंदर विस्फोटक गैस है, ऐसा नहीं है कुछ नहीं, और बल्ब के अंदर गैस की अचानक प्रसारित होती है, एक्सपेंड नहीं होती, क्योंकि अंदर तो गैस है ही नहीं, ठीक है, तो बल्ब में फिलामेंट वायु के साथ क्रिया करता है, तो ऐसा नहीं करता टंगस्टन, तो ए ऑप्शन ही उसका सही है। क्वेश्चन नंबर 34 है कि एक बिजली के बल्ब का फिलामेंट किससे, किस तत्व से बना होता है, तो ये सभी को जानकारी होगी, टंगस्टन से ये बना होता है। क्वेश्चन नंबर 35 है कि आप कार में जा रहे हैं, यदि आसमान में बिजली गिरने वाली हो तो आप सुरक्षित रहने के लिए क्या करेंगे। तो अब देखिए, अगर आसमान से बिजली गिरती है, इसका मतलब उसमें क्या है, पावर है, एनर्जी है, उसमें है चार्ज है उसमें, ठीक है, क्योंकि अभी फर्स्ट क्वेश्चन आया था कि इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज से वो क्या होती है, जनरेट होती है बिजली। तो अगर आपके पास क्या है, वहाँ आपके पास पावर आएगी, तो आप क्या कर देंगे, कार की खिड़कियों को बंद कर लेंगे, क्योंकि अगर आप कार की खिड़कियों को बंद करेंगे तो बाहर से जो चार्ज आएगा वो जो कार है, ये कार के क्या हो जाएगा, कार के चारों तरफ आपके पास क्या हो जाएगा, चार्ज उसके चारों तरफ स्टोर हो जाएगा, ठीक है, तो अंदर आप क्या है, आप बिल्कुल क्या हो, सुरक्षित रहेंगे। कार की खिड़कियां खोल लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे, चार्ज अंदर आ जाएगा, आप स्वाहा हो जाएंगे, उतरकर भाग जाएंगे तो भागेंगे नहीं, आप फिर मर जाएंगे, तो ए ऑप्शन है आपको बचा सकता है। क्वेश्चन नंबर 36 है कि यदि दो विद्युत आवेशों के मध्य दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके मध्य विद्युत बल का मान कितना हो जाएगा। आपके पास क्या है, दो चार्ज आपके पास है और आपने उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो आपने कर क्या कर दे, हाफ कर दी, मतलब पहले r डिस्टेंस थी तो अब r/2 डिस्टेंस कर दी, तो उनके बीच जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है वो क्या हो जाएगा, ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिकल फोर्स होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है आपके पास, उसका फॉर्मूला क्या है, F=1/4πε(Q1Q2)R², ठीक है, तो Q1 और Q2/R², तो आपने बोला जो आपके पास रेडियस है उसको हाफ कर दे, तो r को कर दिया आपने r/2, तो r/2 का स्क्वायर हो जाएगा r²/4, और 4 ऊपर चले जाएगा तो ये 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 गुना हो जाएगा, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। दोस्तों आप भी क्वेश्चन देखते रहे, आपको पहले से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हमें बाद में जरूर बताएगा कि आपका स्कोर कितना हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 37 है कि किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश, उसके जो टोटल चार्ज है वो कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होता है चार्ज सरफेस में, तो वो होता है आपके पास, क्योंकि इससे पहले भी क्वेश्चन आ गया है कि अगर बिजली कड़कती है तो कार में आप क्या करते हैं, तो खिड़कियां बंद कर देंगे, क्योंकि बाहर उसके सरफेस में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो सीधी सी बात है, तो क्या होगा, इसमें भी वही होगा, एक्सटर्नल सरफेस पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा होता है, तो बी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 38 है कि एक अंतरिक्ष यात्री जो स्पेस ट्रेवलर है, को अंतरिक्ष में आकाश जो स्पेस है वो कैसा दिखाई देता है, तो भाई स्पेस कैसा दिखाई देता है उसको, तो अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस आपको ब्लैक दिखाई देता है, ब्लैक दिखाई देता है, लेकिन हम लोगों को आसमान कैसा दिखाई देता है, नीला आसमानी कलर का दिखाई देता है। उसका कारण क्या है कि जो सूर्य की लाइट जब हमारे पास आती है तो हमसे ऊपर है वायुमंडल, ठीक है, हमारे पास ऊपर आपके पास एटमोसफियर है, और एटमोसफियर में क्या होती है, जो सूर्य की लाइट है 7 लाइटों से मिलकर बनती है, तो 7 लाइट क्या हो जाती है, स्कैटर्ड हो जाती है, फैल जाती है, तो सबसे ज़्यादा कौन फैलती है उसमें, ब्लू फैलती है जो आपके पास, हाँ तो ब्लू फैलती है, तो ब्लू हमारा सबसे ज्यादा स्कैटर्ड हो इसलिए हमें आसमान नीला दिखाई देता है, जबकि और लाइटें और कम फैलती, तो सबसे कम रेड लाइट फैलती, तो इसलिए हमें क्या है, सुबह और शाम सूरज लाल दिखाई देता है।
ठीक है। तो लेकिन अंतरिक्ष में क्या है, स्पेस में आपके पास एटमोसफियर नहीं है, वायुमंडल नहीं है, तो वायुमंडल नहीं है तो वहाँ पर ब्लैक दिखाई देगा, क्योंकि वहाँ पर जो सूर्य की लाइटें हैं वो कोई भी फैल नहीं सकती है, और फैल नहीं सकती तो वो ब्लैक दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 39 है कि विकिरण की कण प्रकृति की पुष्टि किससे की जाती है। तो भाई विकिरण की जो कण प्रकृति है उसको, मतलब आपके पास देखिए जो रेडिएशन है, रेडिएशन में दो प्रॉपर्टी, एक आपके पास है पार्टिकल नेचर और दूसरा है आपके पास वेव नेचर, ठीक है। तो पार्टिकल नेचर को दिखाया फोटो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट ने, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, और जो आपके पास वेव नेचर है तो इंटरफ्रेंस या डिफ्रेक्शन या आपके पास या ध्रुवीकरण पोलराइजेशन, ये आगे पास क्या करते हैं वेव नेचर को दिखाते हैं। और उसमें जो पोलराइजेशन है ये भी जो ये खासकर जो आपके पास सूर्य की जो लाइट है सनलाइट है, तो प्रकाश को जो ध्रुवीकरण ये क्या बताता है कि भाई आपके पास ट्रांसवर्व है या लॉन्गिट्यूडनल है, तो अनुप्रस्थ या अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य को कौन दिखाता है, ये ध्रुवीकरण बताता है। कि जो पोलराइजेशन बताता है कि जो सूर्य की लाइट है ये आपके पास ट्रांसवर्व वेव है, अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ तरंग है, ठीक है। कि अनुप्रस्थ तरंग में क्या होती है कि जो आपके पास वेव या जो आपके पास पार्टिकल है वो क्या कर रहे हैं, उसके वर्टिकल ये नॉर्मल में क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है कि किसी तारे के रंग से पता चलता है उसके, तो जो कलर है, कलर किस स्टार का जो कलर किस पर डिपेंड करता है, तो उसके यहाँ पर टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। कि टेम्परेचर अलग अलग होगा तो अलग अलग वेवलेंथ को वो क्या करेगा, रिलीज़ करेगा, और अलग अलग वेवलेंथ की अलग अलग कलर होगा, ठीक है। तो इसका ए, क्योंकि सूरज में 7 कलर हैं और 7 कलर की अलग अलग वेवलेंथ है, तो इसलिए टेम्परेचर में अलग अलग वेवलेंथ आएगी तो अलग अलग कलर उसका दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 41 है कि हमें सूर्य उदय से पहले सूर्य क्यों दिखाई देता है। तो इसका कारण क्या, आप देखो सूर्य क्या है, हमारे पास क्या है, यहाँ वायुमंडल है और इधर से सूर्य उग रहा है पहाड़ के पीछे से, और यहाँ हम हैं। तो जब सूर्य की लाइट यहाँ से बाहर निकलेगी तो ये वायुमंडल क्या हो रही है, देखो आप जा रहे हैं, वायुमंडल है तो वायुमंडल आपका डेंस है, और ऊपर क्योंकि निर्वात था, वैक्यूम था, तो वो आपके पास रेयर है। तो जब लाइट क्या है, रेयर से डेंस में जाती है, तो वो क्या करती है, जो आपके पास नॉर्मल है उसकी तरफ क्या हो जाती है, झुक जाती है, तो अभिलंबवत की तरफ झुकती है। तो इसलिए क्या होती है, जो लाइट है वो हमारे पास आ जाती है, बोले तो मुड़ जाती है हमारी तरफ, तो इसलिए ये क्या है, प्रकाश का अपवर्तन है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का, ठीक है। डिफ्रेक्शन तो मुड़ती है, ये नहीं है यहाँ पर, तो किसी बारीक उससे, तो स्कैटरिंग से क्या हो रहा है, हमें प्रकाश नीला वगैरह दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 42 है कि संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिकल जो फाइबर होते हैं वो किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो वो सिद्धांत पर कार्य करते हैं यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑन लाइट, ठीक है। तो जो प्रकाश की जो टोटल मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है उसके कारण आपके पास क्या है, जो ऑप्टिकल फाइबर होते हैं वो काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है कि निम्नलिखित में किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है। तो भाई उच्चतम ऊर्जा किसमें होगी, अभी सूरज की 7 लाइट, मतलब उसमें क्या है, 7 कलर होते हैं, 7 रंगों से मिलकर आपके पास क्या है, सूरज की किरणें बनती है। तो उसमें जो ब्लू लाइट है, ब्लू लाइट की क्या है, एनर्जी उच्चतम होती, इसलिए क्या होता है, या वेवलेंथ हम बोल सकते हैं, जिसकी एनर्जी मैक्सिमम है उसकी वेवलेंथ क्या हो जाएगी, कम होगी। वेवलेंथ कम है, एनर्जी मैक्सिमम है, वेवलेंथ कम है, इसलिए क्या है, हमें लाल सुबह और शाम को क्या है, सूरज लाल दिखाई देता है। और नीले की क्या है, सबसे कम वेवलेंथ है, या हम बोल सकते हैं सबसे छोटी है वो, तो सबसे छोटी है तो सबसे जल्दी वो क्या हो जाती है, फैल जाती है, या उसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ए वाला ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं कि अवतल लेंस प्रयुक्त होता है। तो जो कॉनकेव लेंस है, ये अभी भी आया है, कॉनकेव लेंस क्या कर रहा है भाई, चीज़ों को इस तरह से फैला रहा है। इसका मतलब ये क्या कर रहा है, दूर की वस्तुएं जब दिखती नहीं है तो इसलिए, तो निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं दिखाई देती है, दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती। तो निकट दृष्टि दोष, तो मायोपिया में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो बी ऑप्शन इसका सही है। घड़ी साज घड़ी के बारीक पुर्जों को देखने के लिए प्रयोग किसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो जो घड़ी बनाने वाला होता है वो क्या करता है, एक छोटा सा लेंस होता है अपनी आंख में फिट करता है, और फिर घड़ियों को देखता है। अब घड़ी क्योंकि उसके जो पेंच पुर्जे होते हैं बहुत छोटे होते हैं, तो इसलिए क्या करते हैं, वो पेंच पुर्जे बड़े बनते हैं, तो वहाँ पर यूज होता है कॉन्वेक्स लेंस का। अब कॉन्वेक्स लेंस में क्या करता है, आपने देखा होगा कि कॉन्वेक्स लेंस क्या कर रहा है, जो लाइट है उसको अंदर की तरफ फैला रहा है। अब क्या होता है कि उसमें एक कंडीशन आती है, क्योंकि वो बहुत पास में है, जो घड़ी आपके पास बिल्कुल यहाँ पर है, तो जब आप क्या करते हैं कि जो आपके पास क्या है, ऑप्टिकल सेंटर होता है वहाँ पर, और फोकस जो आपके पास क्या है, फोकस के बीच अगर क्या है आपने घड़ी रखी है, तो माने ये ऑप्टिकल सेंटर है, यहाँ फोकस है इस लेंस का, तो यहाँ पर जब घड़ी रखी जाती है तो ये इसका जो इमेज बनाता है, इमेज बड़ा बनता है और सीधा बनता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्योंकि बहुत पास में रखा रहता है तो वहाँ पर इमेज बड़ी बनती है, तो मैग्नीफाइंग लेंस इसको बोल सकते हैं, आवर्धक लेंस या उत्तल लेंस का प्रयोग वहाँ पर होता है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 46 है, मायोपिया से तात्पर्य है, तो मायोपिया हो गया आपके पास निकट दृष्टि दोष, तो बी ऑप्शन इसका सही है, ठीक है। और हाइपर मेट्रोपिया हो गया दूरदृष्टि दोष। कलर ब्लाइंडनेस में क्या होती है, आँख व्यक्ति क्या करता है, कलर को नहीं पहचान पाता है, नाइट ब्लाइंडनेस तो आपको पता है, ये बच्चों में ज़्यादातर होता है कि रात को दिखाई दे नहीं दिया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 है, दूरदृष्टि हाइपर मेट्रोपिया से पीड़ित के चश्मे में कौन सा लेंस होता है, तो ये आ चुका है, तो उत्तल लेंस यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 48 है, दूर दृष्टि दोष जो मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है, तो मायोपिया क्या है, निकट दृष्टि दोष है, तो ये क्या करता है, नज़दीक की वस्तुओं को तो स्पष्ट देखता है लेकिन दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है, तो इसका ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 49 है कि नेत्रदान में दाता की आंखों के किस हिस्से को ट्रांसपेरेंट किया जाता है, तो किस हिस्से को यहाँ पर क्या किया जाता है, दान किया जाता है नेत्रदान में, तो ये किया जाता है आपके पास कॉर्निया को, ठीक है। तो कॉर्निया के कारण ही क्या होता है, कॉर्निया को, केवल कॉर्निया। अब रेटिना क्या है, रेटिना सबका अलग अलग है, जैसे फिंगरप्रिंट सेंसर है कि फिंगरप्रिंट सभी व्यक्ति के अलग है, तो रेटिना का भी अलग अलग है, तो जब अलग अलग है तो एक ही रेटिना हम क्या है दूसरे में प्रतिरोपित या ट्रांसपेरेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इसलिए कॉर्निया को एक जगह से दूसरी जगह डाला जाता है। दोस्तों जो आपके पास मतलब जो ये सारी बीमारियाँ हो रही है कि जो आपके पास क्या है निकट दृष्टि दो दूर, उसमें एक आता है एस्टिगमेशन, अभिन्दुकता। अभिन्दुकता में क्या होता है, हाँ तो ये पहले भी शायद बात कर दी इसके, तो उसमें क्या है जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको एक साथ नहीं देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है कि किस, लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का है, कि किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई, जो आपके पास प्लेन मिरर है, उसकी मिनिमम हाइट कितनी चाहिए, तो मिनिमम हाइट कितनी चाहिए उसमें, वो हो चाहिए व्यक्ति से आधी। अगर व्यक्ति से आधी है तो आपको पूरा व्यक्ति वहां पर दिखाई देता, लेकिन अगर वो व्यक्ति से आधे से भी कम है तो वो पूरा व्यक्ति वहां पर नहीं दिखाई देगा उस दर्पण में, ठीक है। तो कम से कम आधा होना ही चाहिए उसको, उसे ज़्यादा हो जाए तो अच्छी बात है, पूरा का पूरा दिखाई देगा, लेकिन आधे में आपका पूरा दिखाई देगा, तो ठीक है। दोस्तों ये हो गया आपके पास 50 क्वेश्चन, और आपके पास जितने आपको इसमें आए हैं हमें जरूर कमेंट में बताएगा आपका स्कोर 25 क्वेश्चनों में कितना रहा। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और साथ में घंटी का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक समय से मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत